नहीं खाएंगे खाना आज, जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। हाँ जा नालायक, भाग जा, रह के भी क्या करते हैं, नालायकी करते हैं दिन भर। ठीक है जा, निकल जा घर से। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी मच एंग्री टुडे। एक भी चीज़ कभी बोलो पापा मम्मी से, हर वक्त मना कर देते हैं। बोला कि सर बाइक चाहिए मुझे, अपना कोचिंग जाने में परेशानियाँ होता है, साइकिल में वो ही छोटी उम्र से साइकिल पकड़ा दिए हैं, पॉकेट मनी के तो कब का लग गया, एल एल लगा के छोड़ दिए। छोटे उम्र में एक बार बोला था एक वीडियो गेम खरीद दीजिए, वीडियो गेम खेलना है। ना ना ना, ये पापा मम्मी इतना खड़ूस क्यों होते हैं, ऐसा लगता है 16 सेंचुरी के रहने वाले हैं, कोई भी चीज़ मांगो देते नहीं है। हाँ स्टूडेंट्स, अब बताओ तुम लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है, घर में मम्मी पापा के साथ क्या ऐसा ही होता है, हमेशा कोई चीज़ मांगते हो ना कह देते हैं, हाँ? पॉकेट मनी बढ़ाते रहते हैं हर महीने या नहीं देते हैं? छोड़ो, बाद में देखेंगे, सबके साथ शायद ऐसा तो होता ही है, मुझे लग रहा है। अब ये देखो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, समझ रहे हो, एक छोटी सी एक लड़की के स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। इट इज़ तुम्हारे क्लास बिहाइव के चैप्टर 4 के है, द लिटिल गर्ल। इट इज़ रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। कामधाम नहीं, पहली बार किसी ने अच्छा किए। हम लोगों के लिए भी तो किसी को नारा लगाना चाहिए, हम लोगों के लिए भी तो प्रोटेस्ट करना चाहिए पेरेंट्स के खिलाफ, हमें ये दीजिए दीजिए, नहीं तो कल से भूख हड़ताल। तो इनको पता लगा के इनके पेरेंट्स, इन्होंने हमारे लिए काम किए हैं। कैसे काम किया है, यहाँ पे एक जो लिटिल गर्ल है बेटा, द लिटिल गर्ल हुज नेम इज़ केजिया। क्या नाम है? केजिया। सी इज़ अ लिटिल गर्ल, सी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट्स एंड हर ग्रैंड मदर। उनके घर में 3 मेंबर और एक नौकर थे, एलिस नाम है, उनके मेड सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट जिसके नाम थे एलिस। केजिया वॉज द लिटिल गर्ल। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, आज तक हैव यू अंडरस्टूड योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को तुम सही से समझ पाए हो? कैन यू अंडरस्टैंड देम, व्हाई दे आर बिहेविंग रूडली एवरी टाइम, व्हाई दे आर एवरी टाइम टेलिंग नो नो नो, समझ पाए हो? पता नहीं ये लोग क्यों हम लोगों को समझते नहीं है। देखते हैं, इस चैप्टर में भी ऐसा ही हुआ था। केजिया द लिटिल गर्ल, सी वॉज लिविंग इन हर हाउस, और उनके भी पापा थे, उनके पापा, सी वॉज लाइक द खरूस, लाइक ए जायंट फिगर, इतना हेल्दी बॉडी, डोले सोले बना के आते थे जाते थे, और आवाज़ तो नहीं, हर हिज वॉयस वॉज लाउड द लाउड स्पीकर व्हेन ही केम फ्रॉम द ऑफिस। ए घर में तहलका मचा देते, मेरा चाय लाओ, पेपर कहाँ है, जूते उतारो। केजिया द लिटिल गर्ल सी बिकेम स्केयर्ड, डर जाती थी। फिर मम्मी बोलते, केजिया बेटा जाओ पापा के जूते उतार दो। लुक द लिटिल, फॉरगेट अबाउट इट, केजिया सी वॉज द गर्ल, सी वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ हर फादर, हर टू हर हर फादर वॉज लाइक ए जायंट, एक बहुत बड़ा जायंट की तरह, सी वॉज स्केयर्ड एंड she can speak to everyone fluently, but with her father she was stammering. When her father came, Kezia, are you be well today, you are a good girl today, no, have you done anything, why your mom is disturbed, mummy ka pareshan kyu, she became scared or she started stuttering, don't but I don't, she was stammering. So, due to fearness, she every time stammered. And she thought, why the God has sent my father like this? Then every day, her father was only holiday on Sunday. Aur us Sunday ke din, she was just snorting, karate leke sote rehte the din bhar. And Kezia's grandmother, who was very close to Kezia, she told Kezia, Kezia, why are you scared of your father? Because you are not talking with your parents. Go Sunday today, go to the dining hall and talk to your parents. Talk to your parents. Then you will talk with them, they will talk with you and all your fearness will be disappeared. Bichari jaane ka to man nahi hai, dadi bole. So slowly she went downstairs in the dining room, and when she went there, she noticed her father, the giant figure,
snorting and sleeping, putting his leg on the sofa, and her mother was reading newspaper. Bechari kya kare? She went there, she sat on a stool and she was waiting who will talk with her. And when her father came out from the sleep, he gets up, he looked at her like she has done something very terrible. Now she once again started, then once again started stammering, father, I have not done anything. Then her father asked, why have you make your face like the owl? Why are you like this every time? Why are you not courageous? So what happened? Kezia, day by day, she was becoming much more afraid of her father. Then one day, it was Kezia's illness. Kezia was suffering from fever. So she did not go to school. Then her grandmother, Kezia's grandmother advised her, beta, do one thing. You know your father's birthday is coming near. So if you give one good gift, no, present, no, your father will be happy. So it is a good idea. Throughout the day, you can make one gift for your father. So Kezia feel it's a good idea. Kisi ko dost banane, hamesha kuch. Ab doston ke saath bhi hum log aise karte hai na. Suppose tumhare uske liye jugaad banana hai. What will you do? Ek dost ko, bhai, kitna khilana hai, paisa khila dunga. Thoda bana de apne mein. है ना, तो ठीक सही बना दे. सो ऑल्सो केजिया टोल्ड, केजिया थॉट, मे बी टूडे इफ आई मेक समथिंग एंड गिफ्ट इट टू माई फादर ही विल बी हैप्पी. सो सी वेंट टू हर मदर्स रूम एंड देयर सी मेड वन कुशन. बट व्हेन सी वॉज मेकिंग दैट, सी फाउंड दैट सम ऑफ द पार्ट्स सी डजंट हैव एनअ पेपर टू मेक द कुशन. सो व्हाट सी डिड, सी वॉज सर्चिंग फॉर सम एक्स्ट्रा पेपर. And in her mother's table, she found some colorful papers are there. So she was very much happy. She took all those papers and cut it in different pieces and make the pincushion. But she was happy that I will gift it to my father on his birthday. But in the evening, there was a loud roaring. Kisne chura liye mere sab kuch? Kaun hataye? Bulao sabko line mein khada karo. Aaj sabka to khal ughar lenge. Kezia became afraid. What happened? Why my father is shouting like this? Somehow, the reason you know, aaj to hamara kuch hua na ho, Kezia ki lag gayi. So, now you can understand what happened. When his father was searching everything, it is found that her father's speech for sport, speech for port authority, the speech for port authority of papers, all the papers were missing. Now you can understand what happened. The paper Kezia took, no colorful paper from her mother's room, that was the port authority speech, and her mother told everything to his Kharu's father. Okay, and what happened to Kezia? She started scaring what will happen to her. But his father was very strict. He thought today some lesson you must have, tumhe aaj zarur koi seekh milna chahiye. So he went inside his room with a big scale, but Kezia was so scared, just she went under the cot, went under the bed. Then his father put her away and she was trying to say, father, I have not done anything, but until now the scale came on her hands. And so many, you can say, ho gaya dhulai, puri tarike se. Now she started crying loudly. Then her grandmother watched her that she was crying. So grandmother took her to her room and told Kezia, don't worry, try to sleep. From in the morning, you'll forget everything. Tum sab kuch bhul jaogi. But Kezia never forgot. Bechari, itna maar khane ke baad kaun bhul jayenge. She just told her grandmother, why God has sent the father like this? क्यों पापा को बनाते इस तरीके से सिर्फ हमें मारने के लिए? सोचो मेरे साथ क्या होता है जब मैं बोलता हूँ कि पैसा दे दीजिए, कुछ नहीं देते हैं. सो दिस हैपेंस विद केजिया ऑल्सो. केजिया बिकेम मच मोर स्केयर्ड. नाउ व्हाट हैपेंड, वन डे सी नोटिस्ड, अब उनके घर के करीब में हिज नेबर हुआज मैकडोनल्ड्स, एनदर फादर,
व्हाट ही डिड मैकडोनल्ड्स में रोज पिज्जा खाते थे, चिकन खाते थे, और एक एक करके 5 बच्चे जन्म ले लिए. ओके, ज़्यादा पिज्जा खाएंगे तो क्या होगा. सो ही हैज़ 5 चिल्ड्रेन एंड व्हाट केजिया नोटिस सरप्राइजिंगली, केजिया नोटिस दैट मैकडोनल्ड वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर फादर. ही वॉज एवरी टाइम प्लेइंग द टैग. इन इंग्लिश टैग मीन्स पकड़ने का जो खेल होता है ना. दे प्लेड टैग एवरी टाइम. शी वॉज वॉचिंग दैट ऑल द चिल्ड्रेन वेयर समवेयर पुलिंग हर ड्रेस, समवेयर सिटिंग ऑन हीज शोल्डर, बट ही इज नॉट टेलिंग एनीथिंग. ही वॉज लफिंग एवरी टाइम. ही इज नॉट बीटिंग हीज चिल्ड्रेन. सो इट्स जस्ट अ थिंग केजिया कुड नॉट इमेजिन. सो ही थॉट ही इज ऑल्सो ए फादर. तो ऐसे भी पापा होते हैं क्या जो बच्चे का इतना परेशानियाँ देख के भी कुछ नहीं कहते हैं. शी वॉज थिंकिंग ओनली माई फादर इज, मेरे पापा इज सिर्फ खड़ूस है. देन व्हाट हैपेंड, वन बिग इंसिडेंट हैपेंड दैट डे केजियस मदर फेल इल. दैट डे वन डे केजियस मदर फेल इल और मम्मी के साथ कहाँ चले गए, शी हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज, अस्पताल में लेके जाना पड़ा. एंड केजियस ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट देयर. सो केजी वॉज अलोन इन द हाउस एंड केजियस फादर ही रिटर्न लेट एवरी टाइम. व्हाट हैपेंड देन, केजिया वॉज स्लीपिंग एट नाइट. सडनली अ बिग ड्रीम केम टू हर माइंड. व्हाट वॉज द ड्रीम, अ मैन हैविंग सम रोप इन हिज हैंड एंड ए नाइफ, बिग नाइफ इन द मैन्स हाउस, अ बुचर कसाई. He was coming to catch Kejia. At the same time, Kejia feel very much afraid. She started shouting, "Grandma, Grandma, where are you? The butcher is coming." Then she noticed that her father came near him and told, "What happened, Kejia?" Kejia is just telling, "I want grandmother. The butcher is coming to catch me." Then her father, he took Kejia on his arms and he took him into his room. Kejia noticed that it was midnight, still her father was working, he was not sleeping. So Kejia thought, what father was doing till midnight? That means father was having great workload. And then his father, he just put off the lights and took her into his bed and उसको लेके उसको लेटा के बात करती रही. नाउ केजिया वॉज वेरी मच स्केयर्ड वंस अगेन द डार्कनेस. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द बुचर. सो शी कॉट हर फादर टाइटली एंड शी नोटिस्ड ऑल दो हर फादर मसल्स वेर वेरी बिग एंड हर हिज फादर्स हार्ट वॉज बीटिंग वेरी स्पीडली. इट वॉज बीटिंग स्पीडली. शी थॉट, माई फादर ऑल दो इज ए वेरी स्ट्रिक्ट बट ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बींग. पता नहीं केजिया के दिमाग में क्या आ गया. बेचारी सोचने लगी दैट इट्स माई फॉल्ट, आई थिंक माई फादर इज नॉट बैड. देखो आज कितने अच्छे तरीके से मुझे सुला रहे, कितने अच्छे से बात कर रहे. मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल डर नहीं लग रहा है पापा के जब मैं गोद में या पापा को जब पकड़ के सो रही हूँ. सो सी थॉट एक्चुअल हिज फादर इज हैविंग ग्रेट प्रेशर वर्क. बहुत ज़्यादा काम के लोड रहते हैं, रात भर काम करते हैं, दिन में पूरे दिन. इसी कारण हिज फादर वॉज टेंस्ड, जिसके कारण वो लिटिल बिट इरिटेटेड रहते हैं. एंड दैट डे He destroyed all the important speech authority का, port authority का जो speech सब बर्बाद कर दिए थे. हो सकते हैं पापा को ऑफिस में डांट पड़ा है. That's why her father became very much angry. वो तो उसकी ही गलती थी, केजिया की गलती. बिना पूछे वो चीज़ लेना नहीं चाहिए था. At least she understood that my father was not at all a bad person. He was also a good person. सिर्फ हम लोग अपने पापा मम्मी को समझ नहीं पाते. अगर पापा मम्मी हमें बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अभी बाइक नहीं मिलेंगे, तुम जब तक ना लाइसेंस मिला 18 साल के, दैट इज़ अ लीगल बिकॉज यू आवर पेरेंट्स नो दैट व्हाट इज़ गुड फॉर अस. एट द सेम टाइम जब तुम ज़्यादा खर्चा करने का कोशिश करते हो तो मना क्यों कर देते हैं. इट इज़ हैविंग द रीज़न नो कि तुम्हें पता है इतना पैसा लोगे तुम बर्बाद ही करोगे.
तुम्हें क्यों हमेशा बोलते डांटते पढ़ाई के लिए? इसका कारण होता है तुम जब कोई गलती करते हो उसके पनिशमेंट, इससे तुम्हें सीख मिलता है। दूसरा कोई करे, दूसरी जगह करोगे तो लोग तुम्हें डांटेंगे, पापा मम्मी डांटते हैं लेकिन बाद में प्यार से तुम्हें तो फिर बुला के खिलाते हैं। सो आवर पेरेंट्स आर नॉट एट ऑल बैड बेटा, वी कांट अंडरस्टैंड देम, हम लोग समझ नहीं पाते, वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन, हम लोग छोटे बच्चे हैं, हमको सिर्फ पढ़ाई करना है। बट थिंक उन लोगों को हर ऑफिस का काम संभालना है, घर को देखना है, एवरीथिंग सब कुछ करने के बाद भी वो लोग हम लोग को समय देते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड।